हे मालिक, सब पर कपड़ा बनाए रखना, मेरी सिंग्स फैमिली का ध्यान रखना। ये करण भैया लग रहे हैं इस प्रोस्पेक्ट के क्लच वायर को सेट करने में, जो कह रहे हैं कुछ नहीं है इसमें, भरतपुर लग जाएगा। लाइफ है ना, लाइफ में भी ये दो ही चीज होती है, सुख और दुख। अगर बंदा सुख ही सुख लेता रहेगा तो मजा कहां से आएगा, दुख जरूरी है। तो आप फिर सोचने लगे कि मैं कहां चल दिया, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं जा रहा हूं जयपुर। और जयपुर जाने का जो रीजन है वो है इसके अंदर, हम एक छोटा सा पार्ट है उसको अपनी बाइक में लगाने के लिए जा रहे हैं। जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, छोटा सा पार्ट है, राइड ज़्यादा है। तो चलिए फिर सीधा मिलता हूँ मैं आपको गोप्रो पे। मैं जा रहा हूँ जयपुर और अभी टाइम हो रहा है 7:29। तो अब तक जिस हिसाब से हम गए हैं उस हिसाब से हम थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मार्केट खुलेगा तब तक जयपुर पहुँच जाएंगे। बाकी चलिए सीधा मिलता हूँ फिर मैं साहिल के पास, आपको शायद सेवर में मेरा वेट कर रहा होगा वही टी पॉइंट पर। चलिए तो फिर सीधा सेवर। और साहिल, अंकित, तो एक्चुअली साहिल जा रहा है बुसा से और अंकित जा रहा है साहिल की बाइक को लेके, क्योंकि एक्चुअली इसमें एक तो टॉप बॉक्स बदलवानी है और अंकित इसको बैठा के भी लाएगा वापस। बुसा को छोड़ के आएंगे हम सर्विस के लिए और ये हमारी लाडो। दिस इज़ माई लाडो, टॉप बॉक्स से जचरी है, शानदार लुक, और चाय पी ली है हमने यहाँ पे। और अब सीधा निकलते हैं जयपुर की तरफ। हे मालिक, सब पर कपड़ा बनाए रखना, मेरी सिंग्स फैमिली का ध्यान रखना। अभी टाइम हो गया है 7:52 और चाय की एक चुस्की लेके कुल्लड़ वाली हम निकल चुके हैं और बहुत बढ़िया राइड हो रही है, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आ चुके हैं अब आमौली टोल प्लाजा। ये नई बाइक पे भी पॉल्यूशन हाथ में होना चाहिए। आमौली टोल प्लाजा पे हम रुके साहिल की बाइक का पॉल्यूशन करवाने के लिए, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि नई बाइक है और अभी मुश्किल से साहिल को जुलाई में ली थी उसने, तो अभी 3 महीने हुए हैं, तो पॉल्यूशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप भी मेरा डाउट थोड़ा सा क्लियर करना। मुझे लगता है नई बाइक है तो अभी शायद इसके पॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अभी तो नहीं करवा पाए, इसका रीज़न ये था कि जो टॉप बॉक्स था उसमें साहिल के बाइक की RC थी और साहिल आगे निकल चुका है, तो रास्ते में फिर दोबारा कहीं रुकेंगे और फिर पॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए अभी सफ़र जारी है और आगे मिलते हैं दोबारा किसी स्टॉप पॉइंट पर। गाना चल रहा है, रपट लिख लो दरोगा जी, मामला है इश्क में चोरी का। क्या बात है, क्या बात है, वाह, मतलब गाने भी क्या बनाने लगे लोग। मैं इंटरकॉम है उसमें गाने सुन रहा हूँ, तो उसमें गाना आ रहा है, रपट लिख लो, FIR दर्ज कर लो दरोगा जी, मामला है इश्क की चोरी का। क्या बात है, क्या बात है। हम आ गए हैं दौसा और दौसा में हम रुके हुए हैं कमलेश कचौरी वाला पर, हम रुके हुए हैं और यहाँ से कचौड़ी खाएंगे निकलेंगे। अंकित ने स्टार्ट कर दिया खाना, साहिल लगा हुआ है सब्जी वब्जी लेने के लिए, और अब यहाँ से कचौड़ी खाकर सीधा निकलते हैं। तो ये हमारे साहिल भाई साहब, ये ब्लॉगिंग पता नहीं आजकल कैमरे से स्टार्ट कर दिए, प्लीज़ इनको सपोर्ट करना है, थोड़े से अब इनके गैजेट्स है ना डाउन हो रहे हैं, कभी टूट जाता है कभी फूट जाता है। कुछ कहना चाहेंगे साहिल भैया? आज मत ख़राब चल रही है भैया, और कुछ नहीं है, अभी जा रहे हैं जयपुर, आज इसकी परमानेंट जुगाड़ कर देंगे, आज परमानेंट जुगाड़ करके लानी ही लाएंगे। अभी रास्ते में फिर इसका कैमरा हीरा हो गया, माउंट खराब हो गया गोप्रो का, तो फिर उसको उठा के दोबारा इसमें रख लिया है। करण मोटोमार्ट पे जाके इसकी सेटिंग करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कचौड़ी खा लो, कचौड़ी खा लो और हाथ जला लो। आज कल पिछली बार जलवा दिया था आपकी, वन नहीं ले रहा हूँ, पहली रखवा दी है, पहली रखवा दी है। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से कचौड़ी खा। और ये हमारा कोल्ड ड्रिंक पॉइंट है और इन भैया की कोल्ड ड्रिंक पी के ही जाएंगे हम। ये दौसा में तिराया पड़ता है एक, यहाँ पे दौसा एंट्रेंस भी होता है, बाईपास भी जाता है, पीछे RTO का ऑफिस है, विवेकानंद स्कूल है, और उसके जस्ट सामने है। कोल्ड ड्रिंक ब्रेक लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो एक छोटी सी एप्पी फिज पी के हम निकल चुके हैं दौसा से, और अभी पेट्रोल भरवाएंगे बाइक में और पॉल्यूशन करवा लेते हैं एक बार बाइक का, और फिर निकलेंगे सीधा जयपुर के लिए। थोड़ा सा स्टॉपेज और लेंगे।
बाइक में आया पेट्रोल 9.21 लीटर, 1000 रुपये का पेट्रोल। तो यहाँ हम रुक चुके हैं अपनी वैन के पास और हम करा रहे हैं पॉल्यूशन। अभी पहले साहिल की बाइक का अंकित करवा रहा है, फिर मैं भी करवा लूँगा। अंकित की बाइक का पॉल्यूशन हो चुका और हम भी करवा लेते हैं अपनी बाइक का। तो हमारी लाड़ू का हो रहा है अब पॉल्यूशन जाँच और हमारे भाई साहब कर रहे हैं प्रदूषण जांच केंद्र कंप्यूटराइज फोटो सहित। डीजल एंड पेट्रोल गाड़ियों के लिए आप करवा सकते हैं। बांसखो से निकलने के बाद है टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर पहले। और पॉल्यूशन टेस्ट हमारी लाड़ो ने पास कर लिया है और हम निकल चुके हैं अब सीधा जयपुर। क्या बात है, हैं करण मोटोमार्ट और हमारे करण भैया बाइक पर हमारी पर लग चुके हैं। तो एक तो एक्सटेंडर हटवा रहे थे, पहले हम हटा दिए थे हमने भरतपुर में क्योंकि वो एक्सेलेटर वायर खिंच जाता था, लेकिन करण भैया बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटेंडर लगा दूंगा और वायर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, एक्सेलेटर वायर बिल्कुल चेंज नहीं करना पड़ेगा, मैं साइड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, प्रॉस्पेक्ट कंपनी की जो हमने क्लच वायर मंगाया है वो लगवा रहे हैं। एक्चुअली जो हमारी क्लच है इसमें से बहुत आवाज़ आती है, ये कर 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 यहाँ करती है और ये काफ़ी टाइट है। अगर एक उंगली से दबाने की कोशिश करोगे आप तो ये बहुत टाइट है, तो इसलिए इस क्लच को बदलवा रहे हैं हम। और बाकी कोई काम ऐसा है नहीं खास, खाली क्लच वायर बदलवाना है, एक्सीलेटर वायर हटा नहीं रहे, एक्सटेंडर लगाएंगे जिससे कि हैंडल थोड़ा सा और हो जाए और कम्फर्ट महसूस हो। ये करण भैया लग रहे हैं इस प्रॉस्पेक्ट के क्लच वायर को सेट करने और यूँ कह रहे हैं कुछ नहीं है इसमें, भरतपुर लग जाएगा। अभी हमारे रजिस्टर भाई साहब के लिए मंगा रखा है, वो भी जयपुर आके लगेगा 100% जोर जोर है, कुछ नहीं है इसमें। 15 मिनट में जाके तो ये सेट हुआ है पूरा, ये दो पार्ट में आता है एक्चुअली और फिर इसको सेट करना पड़ता है और फिर अब जाके ये बाइक पे लगेगा। तो बस इस बारे कुछ नहीं, बहुत कुछ है इसमें, मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जब ये लग जाएगा ना तो क्लच की परफॉर्मेंस देखना बहुत शानदार आएगी। क्लच वायर अब लगा रहे हैं, पुराना वाला खोल रहे हैं फिर नया वाला लगाए। और करण मोटोमार्ट से हम निकल चुके हैं, काम हमने करा दिया है। तो हम आ चुके हैं दौसा और दौसा पे एक ले लिया है कुल्हड़ वाली चाय का ब्रेक और इसको हम मोबाइल से शूट कर रहे हैं। क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर लेना क्योंकि हमारे साहिल भाई साहब कहाँ हैं। साहिल भाई साहब सामान था इसलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना क्वालिटी वाली चाय। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बाकी तो कुछ नहीं। एक्चुअली जो मेरा सारा सामान है वो भैया के उसमें शिफ्ट कर दिया है, बिकॉज ऑफ हमने एक जाना की रैक लगवाई थी वो क्रैक हो चुकी है, तो वो गारंटी में थी बट उस गारंटी को मतलब पहले बात करेंगे, वो ब्रेक करेंगे कैसे भी करके कि भाई गारंटी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, क्यों ब्रेक हुआ, ऐसा कुछ लोड भी नहीं डाला, इतना कुछ किया भी नहीं। तो भाई गैजेट्स वगैरह रखते हैं और उसमें भी अगर जाना चटक गया तो ये बहुत बड़ी बात है और करण मोटोमार्ट्स बाकायदा 100% उसको सही करा के देंगे, बदलवा के देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट। इसलिए उन्होंने कहा भैया आप प्लीज ये रैक छोड़ जाओ, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों अभी अपन को कहीं लॉन्ग राइड पे जाना नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, मैं 10-15 दिन बाद फिर आऊंगा, फिर अपन उसको लगवा लेंगे मैं और धर्मेंद्र भी, फिर वापस दोबारा आएंगे। अच्छा, साहिल के साथ समस्या ये है, कराने तो सही कुछ हो जाता है, खराब करा के कुछ और ले आता है, तो ये बड़ी दिक्कत है इसके साइड। एक समस्या सॉल्व होती है, दूसरी जा रही थी रस्ते में देखा, तो इसका एक ही टिकट होता है। कोई बात नहीं, लाइफ है ना, लाइफ में भैया दो ही चीज होती है, सुख और दुख। अगर बंदा सुख ही सुख लेता रहेगा तो मजा कहाँ से आएगा, दुख भी जरूरी है। चलिए तो अब यहाँ से कुल्हड़ वाली चाय पी के फिर निकलते हैं और सीधा मिलते हैं। चलो जी, हम आ चुके हैं अपने घर और बज रहे हैं अभी 11:30। सीधा नहा के फ्रेश होके और आपके सामने बैठ गया हूँ मैं। एक्चुअली आना जाना नहीं थकता है उसमें, वहाँ जब काम करवाते हैं ना तो वो थोड़ा सा थकान भरा हो जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वो तो पता ही है आपको क्या करना है, लाइक करना है,
अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर देना, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल अब, क्योंकि एक्चुअली क्या इसी तरीके की वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आपको नई नई जगहों को एक्सप्लोर कराऊँगा, कुछ अगर कोई नई चीज़ आएगी तो उसको अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे और यूज़ करके बताएंगे कि उसका रिव्यू कर देंगे कितना अच्छा है, क्या है, कैसा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।